सो so फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं इंटरनल ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स बेसिकली वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे बॉडी के इनर में प्रेजेंट होते हैं जैसे इनर पार्ट जो होते हैं हमारे जैसे कि ब्रेन लंग्स हार्ट लीवर स्टमक एंड किडनीज ये सारे हमारे इनर ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम इंटरनल ऑर्गन्स भी कहते हैं तो देखिए सबसे पहले होता है ब्रेन द ब्रेन इज लोकेटेड इन साइड आवर स्कल स्कल यानी खोपड़ी के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम ब्रेन कहते हैं इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ये बहुत जरूरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ आवर एंटायर बॉडी ये हमारी पूरी बॉडी के काम को कंट्रोल करता है ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी फंक्शन अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रेन हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो हमारे ब्रेन से सिग्नल लेकर ही वर्क कर पाते हैं नेक्स्ट है लंग्स लंग्स ये होते हैं हमारे वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स हमारे पास एक पेयर होता है लंग्स का जिसे हम हिंदी में फेफड़े कहते हैं देट आर प्रजेंट इन साइड आवर चेस्ट ये हमारे चेस्ट में मौजूद होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाई द रिप्स ये रिप्स से प्रोटेक्ट रहते हैं रिप्स यानी पसलियों से प्रोटेक्ट रहते हैं द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ लंग्स हमें ब्रीथ करने में यानी सांस लेने में हेल्प करते हैं वैन वी ब्रीथ इन एयर ऑक्सीजन द लंग्स एक्सपेंड जब हम सांस लेते हैं यानी जब हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं तब ये लंग्स क्या होते हैं ये नीचे से एक्सपेंड हो जाते हैं यानी नीचे से बढ़ जाते हैं ये लंग्स हमारे जब हम सांस को छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं तब ये लंग्स क्या होते हैं ऊपर की ओर श्रिंक हो जाते हैं अ नॉर्मल पर्सन ब्रीथ इज अबाउट ट्वेल्व एटीन टाइम्स इन अ मिनट एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में बारह से अट्ठारह बार सांस लेता है और जब वो कोई एक्सरसाइज करता है तब वो 60 बार एक मिनट में सांस ले लेता है हार्ट द हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी हार्ट हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है द इट फंक्शंस ऑल द टाइम्स ये सारा ये हर समय काम करता रहता है एंड इज लोकेटेड इन बिटवीन आवर लंग्स और ये हमारे लंग्स के बीच में बाई तरफ लेट्स लेफ्ट साइड पर स्थित होता है द हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स ये हार्ट जो होता है लंग्स से खून को लेता है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ये पूरी बॉडी में साफ खून को भेजता है अब बात करते हैं लीवर की द लीवर इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टमक इन द अपर एबडोनमेंट ये लीवर हमारे राइट right साइड में स्टमक के पेट के राइट right साइड में अपर एब्डोमेन, यानी ऊपर की तरफ उधर में ऊपर की तरफ स्थित होता है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी यह हमारे बॉडी का सबसे इंटरनल पार्ट में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है द लीवर ऑफ एन ह्यूमन वे अबाउट 1.5 पॉइंट एक युवा में इसका वजन एक दशमलव पाँच किलोग्राम होता है इट प्रोड्यूस जूस दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड ये हमारे खाने को पचाने के लिए कुछ रस को अपने अंदर से निकालता है जिससे हमारे खाने को आसानी से पचाया जा सके नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक की स्टमक इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर एब्डोमेन हमारा जो स्टमक होता है ये हमारे लेफ्ट साइड में होता है जबकि लीवर जो होता है हमारे राइट साइड uh, right में होता है ये लेफ्ट साइड में होता है एब्डोमेन के द फूड दैट वी ईट गेट्स ब्रोकन डाउन इन द स्टमक जो खाना हम खाते हैं वो यहीं पर आकर टूटता है हैंड्स इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और ये डाइजेशन में भी डाइजेशन की प्रक्रिया में भी यानी पचाने की प्रक्रिया में भी मदद करते हैं अब बात करते हैं इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइन यानी हिंदी में से कहते हैं आंत आंत हमारे दो तरीके की होती है एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और एक ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत दे आर प्रजेंट इन द लोअर एबडोमैन ये हमारे पेट के निचले हिस्से में मौजूद होती हैं दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये डायजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होती है और ये डाइजेस्ट करने को खाने को डायजेस्ट करने में इनका एक अहम रोल होता है दे हेल्पर्स इन डाइजेसन द फूड इसको पूरी तरह इसका काम होता है कि हमारे खाने को ये पचाती हैं और लार्ज इंटेस्टेंस से होता हुआ हमारा खाना पच, जो हमारा खाना नहीं पच पाता है वो बाहर की तरफ आता है और लास्ट में हम बात करते हैं किडनी की वी हैव अ पेयर ऑफ बीन शेप किडनी हमारे पास एक पेयर होता है बीन के शेप की किडनी का इन आवर एब्डोमेन ये भी हमारे एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होती हैं दे प्योरीफाई आवर ब्लड बाय रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी ये हमारी बॉडी से जो रिमूव uh, जो वेस्ट होता है उसको बाहर uh, करती हैं और हमारे ब्लड को ये साफ़ करती हैं द यूनरी ब्लैडर अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटरी सिस्टम ये जो यूनिनरी ब्लैडर होता है जिसमें हमारा यूरिन कलेक्ट होता है उसमें क्या करता है ये अपना जितना भी वेस्ट होता है वो यूरिन के रूप में इसको उसमें भेजता रहता है यानी यूनरीरी ब्लैडर में हमारा यूरिन जो होता है एक तरीके से वेस्ट होता है हमारे शरीर का और वो वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है तो ये थे हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय